Hello, everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. Miranam Dr. H.S. Sidhu hai, Abhimanyu Indian economy and international relations teach I have been mentoring the civil services aspirants for uh, more than fifteen years, and I have authored many books, also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At women IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examination, targeting 2023-24. This will be a one-year course and will be available through offline and online mode. We are providing seven days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. So Abi We have started an important series related with the issues and analysis. So today's series key under topic discuss that is related with the Golden Triangle region. So a yeah, golden triangle region, I suppose all of you must be knowing that uh, where is the golden triangle. Uh, so let us discuss today in detail with respect to the uh, concept of the golden triangle that what is the golden triangle, where does the region lies and what is the, uh, what is uh, specific about this region and what are the uh, security concerns as far as India is concerned uh, related with this region. Okay. तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल रीजन है ये एक ऐसा रीजन है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ओपियम एंड अदर ड्रग्स इन वर्ल्ड सो यहाँ से जो ड्रग्स की एक्सपोर्ट है जो ओपियम की हेरोइन की एंड अदर ड्रग्स की एक्सपोर्ट है जो वो दुनिया के बाकी कंट्रीज में होती है तो देर फोर दिस रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड बिकॉज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अगर हम वेस्ट वाली साइड बात करते हैं तो देर इज़ वन रीजन विच इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ड्रग्स टू द वर्ल्ड दैट इज़ द गोल्डन क्रिसेंट रीजन दैट इज़ ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान And on the eastern side of India, there is the Golden Triangle region, which is again one of the largest supplier of drugs to the world okay? and this region is known as the Golden Triangle region. So this golden triangle region hai, it lies on the border of Laos, Thailand, and manmar. in countries ke border like actually. पहले ओपियम प्रोडक्शन में चाइना वाज़ क्वाइट फेमस क्वाइट वेल नोन एज फार एज द ओपियम प्रोडक्शन वाज़ कंसर्न जब से वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी आ, का रजीम आया तब से उन्होंने ओपियम की जो कल्टीवेशन थी उसको बैन कर दिया और जो भी लोग, लोग ड्रग एडिक्ट थे उनको उन लोगों ने डी एडिक्शन सेंटर्स में भिजवा दिया सो चाइना की गवर्नमेंट ने जब थोड़ा सख्त एक्शन लिया टू स्टॉप दिस ऑर टू डिसकरेज द कल्टिवे ऑफ द ओपीएम दे आर सो दैन द प्रोडक्शन और द कल्टीवेशन ऑफ ऑफ ओपीएम शिफ्टड साउथ वर्ड्स टू दिस गोल्डन ट्राएंगल रीजन सो लेट ऐस नाउ स्टडी सो वन इज़ गोल्डन ट्राएंगल इट इज़ ए रीजन कोइंसाइडिंग विद द रूरल माउंटेन्स ऑफ म्यांमार लाओस एंड थाईलैंड तो ये जो गोल्डन ट्राइंगल रीजन है एक रूरल एरिया है एंड एक हिली टेरेन में ये रीजन एग्जिस्ट करता है एंड तीन कंट्रीज के बॉर्डर के ऊपर ये रीजन है दट इज द म्यांमार थाईलैंड एंड लाओस इट इज़ साउथ एशियाज मेन ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नार्कोटिक्स रूट्स टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका तो हम यहाँ ये यह कहेंगे कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका मेन ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन है एंड uh, पहले ये यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के लिए एक यू कैन से ओल्डेस्ट नार्कोटिक सप्लाई रूट रहा है इट हैज़ बीन एट द रिस्क ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम दिस रीजन इवन बिफोर द इमरजेंस ऑफ द गोल्डन क्रेसेंट So, जो भारत है भारत में इस रीजन से क्योंकि जो गोल्डन क्रीसेंट है दैट इमर्ज और द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गोल्डन क्रीसेंट रीजन इंक्रीज इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बट बिफोर दैट इफ वी सी दैट इंडिया में जो गोल्डन ट्राइंगल रीजन से जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी भारत में इंपोर्ट होती थी जो ड्रग्स वगैरह और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती थी ड्रग्स एंड दिस इज़ अबाउट द गोल्डन क्रिसेंट रीजन विच ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान यहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ चाइना की तरफ इंडिया की तरफ एंड देन सी रूट के थ्रू अदर वर्ल्ड में एंड ईरान के थ्रू यूरोप की तरफ जो है ड्रग्स की सप्लाई होती है एंड गोल्डन ट्राइंगल के बारे में हम फर्दर बात करते हैं दैट ड्रग्स लाइक ओपियम हैरोइन एंड मोर आर स्मगल्ड फ्रॉम म्यांमार इन टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया सो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में तो यहाँ से ड्रग्स एक्सपोर्ट होती ही होती हैं बट उसके साथ साथ इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ भी जो ड्रग्स है उनकी एक्सपोर्ट होती है ड्रग्स कल्टिवेटेड इन इंडिया क्रॉस थ्रू द सेम रूट टू म्यांमार फॉर ट्रेड और भारत में भी फिर जो ड्रग्स की कल्टीवेशन होती है तो वो भी म्यांमार के थ्रू ट्रेड के लिए इसी रूट के थ्रू यू कैन से पास होती है सो दैट मीन्स इफ़ देर इज द मार्किट ओके इन दिस गोल्डन ट्राइंगल रीजन फॉर द ड्रग्स ओके एंड इफ देर आर द यू कैन से लिंक्स ऑफ द स्मगलर्स इन दिस गोल्डन ट्राइंगल रीजन देन ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी जो ओपियम वगैरह की जो कल्टीवेशन है वो इंक्रीज होगी बिकॉज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द यू कैन से इलीगल कल्टीवेशन ऑफ द ओपियम इन इंडिया विल आल्सो फाइंड मार्केट, ओके टू सेल देयर प्रोड्यूस अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम द इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद म्यांमार सो इंडिया की वलरेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है Okay, India India's states, hain, that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram, these are the Indian states which share borders with Myanmar. More of Manipur, Tampai of Mizoram, Dimapur of Nagaland, and Guwahati in Assam have become the nucleus of the drug trafficking industry in India's northeast. Okay, so, because of this golden triangle region, ओके और बिकॉज ऑफ द यू कैन से शेयर ऑफ इंडिया बॉर्डर विद म्यांमार ओके इन दिस रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ये जो इंडिया के जो कुछ सिटीज़ हैं मोरे चंपाई दीमापुर गुवाहाटी तो ये एक न्यूक्लियस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री बन चुके हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रीजन्स फॉर ड्रग इम्पोर्ट्स फ्राम म्यांमार ऐसा क्या है कि हम इसको चेक क्यों नहीं कर पा रहे क्यों ड्रग्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं म्यांमार से इंडिया की तरफ तो वन रीज़न इज दैट सिंपथी टू क्रिमिनल्स बिकॉज जो वहाँ के लोग हैं दे आर द ट्राइबल पीपल दे हैव द स्ट्रोंग एथनिक यूनिटी ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनलिज्म आल्सो एंड ट्राइबल लॉयल्टीज मैनी सिंपथाइजर्स ऑफ क्रिमिनल्स ऑन द इंडियन साइड प्रोवाइड दैम विद इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन द रीजन सो so, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉग एथनिक यूनिटी एंड द ट्राइबल लॉयल्टीज एट्सट्रा तो बहुत सारे लोग इस रीजन में ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल्स के सिंपथाइजर्स हैं और वो इंडियन साइड uh, में और वो इंडिया में वी वी कैन शे अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द म्यांमार दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द क्रिमिनल और टू द ड्रग सप्लायर्स ओके एज फार एज द सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन दैट रीजन आर Concerned okay. and uh, uh, second reason is restricted movement of security forces. Restricted movement because rough terrain exists due to the existence of the rough terrain over there. Right, how high mountains in the north, and hills and river channels in the south, and dense tropical forests are there. And it is due to this reason that the movement of the security forces. Is not that much easy, and second thing is lack of basic connectivity roads and railway tracks get damaged due to natural disasters. A okay? parts of uh, a range are inaccessible to the forces. One per connectivity ka issue, hai, okay. Which roads, rail, track they so damage, uh, ho due to the natural disasters, and moreover, in the Patkai range parts, uh, uh, okay, so the it is a uh, very difficult. Uh, फॉर द सिक्योरिटी फोर्स टू मूव ओवर देयर दीज इशूज हैम्पर देयर मूवमेंट एंड लिमिट देयर एबिलिटी टू रेपिडली रिस्पोंड टू अटैम्प्ट बाय क्रिमिनल्स ओके सो इस, इस वजह से उनकी मूवमेंट में रुकावट आती है उनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है एंड uh, उनकी जो एबिलिटी टू रेपडली रिस्पोंड टू अटैम्प्ट बाय द क्रिमिनल्स वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मीन्स वो इमीजिएटली अगर कोई ऐसी कोई ऐसा एक्शन होता है कोई ऐसी एक्टिविटी होती है अगर कोई इनके पास कोई इनपुट आती है एज़ फार एज द रिलेटेड विद द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और द स्मगलिंग एक्टिविटीज इज़ कंसर्न तो वो क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते ड्यू टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड द नेक्स्ट इज दैट इज़ द पोरोसिटी ऑफ द बॉर्डर हमारा जो बॉर्डर है वो कम्प्लीटली सील्ड नहीं है जैसे हमने पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है हमने उसको वहाँ फेंसिंग करके कम्प्लीटली सील्ड कर लिया है वहाँ पर नहीं है वाई बिकॉज इंडिया एंड म्यांमार आर हैविंग द स्मूथ रिलेशंस एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी बॉर्डर डिस्प्यूट देर फॉर देर इज नो फेंसिंग ऑफ दिस स्ट्रेच दिस इज द वन पार्ट एंड सेकेंड इज एज पार्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार देर एग्जिस्ट से प्री मूवमेंट रिजीम सो इंडिया एंड म्यन्मार इंडिया की तरफ एंड म्यांमार की तरफ दोनों तरफ एक जो 16 किलोमीटर का एक जो एरिया है तो दैट इज़ ए फ्री मूवमेंट एरिया इस रीजन में दोनों तरफ के लोग हैं जो इंडिया की तरफ से एंड म्यंमार की तरफ से ओके तो दे कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी वीजा रेस्ट्रिक्शंस दिस फ्रेमवर्क इज़ मिसयूज बाई इंसरजेंट्स एंड क्रिमिनल्स वो जो क्रिमिनल्स एंड एंड जो इंसरजेंट्स हैं वो फिर इस चीज़ को मिसयूज भी करते हैं

ऐसा क्या है पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हैं दैट इज वाई दो पीपल बिकम वेरी मच वलरेबल ओके और दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सच टाइप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज ओके ड्यू टू देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यू टू द पावर्टील्स ओवर देयर देयर इज़ पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज पावर्टी There is increasing spread of HIV aids. There are ethnic conflicts also. So due to all this, you can say Johamare northeastern region vulnerability uh, to such type of uh, activities. Increase criminals use their vulnerable of the local population. Uh, criminals use this vulnerability of the local population and manipulate their minds uh, into joining the criminal. टक्स सो सो ये जो लोकल पॉपुलेशन की वनरेबिलिटी है क्रिमिनल्स उस चीज़ को एक्सप्लाइट करते हैं और उन लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं एंड इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स नंबर वन इंसर्जेंट्स कोलेबोरेट विद क्रिमिनल गैंग्स टू डू देयर बिजनेस एंड इट प्रोवाइड्स एन इजी सोर्स ऑफ इनकम फॉर इंसर्जेंट पहली बात यह है कि जो इंसर्जेंट्स हैं वो वहाँ पर क्रिमिनल uh, गैंग्स के साथ कलेबोरेट्स कोलेबोरेशन कर लेते हैं सो so दैट उनका जो बिजनेस है वो चलता रहे ओके okay? एंड uh, इसके जरिए जो है उन लोगों को इज़ी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मिल जाता है द रीज़न इज़ नियर द नक्सल अफेक्टेड एरियाज एंड द नक्सल्स एक्सप्लॉयड द कॉरिडोर फॉर एक्सपेंडिंग देयर रेवेन्यू एंड आर्म स्मगलिंग ये रीजन है जो ये नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के नज़दीक है And therefore, Naxals exploit the corridor for, for expanding their revenue and arms smuggling. So, this corridor is the uh, Naxal people who exploit karte hain. because you know Bihar, uh, this Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh. So, this entire part is known as the Naxal corridor. So, it is very near to that. नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिपोर्ट शोज दैट द लार्जेस्ट सीजर्स ऑफ ड्रग्स लाइक ओपियम हेरोइन एंड कैनबिस अकर्ड इन रेड कॉरिडोर एरिया लाइक झारखंड बिहार एंड आंध्र प्रदेश ओके सो ये 2017 की रिपोर्ट है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये कहते हैं कि लार्जेस्ट सीजर्स जो ड्रग्स की भारत में जो हुई हैं ओके okay, वो कहाँ हुई हैं जो रेड कॉरिडोर एरिया है विच इज़ द बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड आंध्रा प्रदेश वाला So and uh, that is near to that northeastern part. So illicit drug cultivation causes environmental damage in the form of river pollution. It it creates the health problems also. So pollution is another issue. Water pollution, particularly the river water pollution, is another issue. So due to which the health concerns are there. Increase in drug abuse mm, uh, cause uh, cases in Indian market due to the easy availability of uh, uh, drug. अब्यूज़ केसेस ओके तो वो कहते हैं के कि जो ड्रग अब्यूज़ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं इंडिया की मार्केट में बिकॉज जो ड्रग्स हैं उनकी इजीली अवेलेबिलिटी है क्योंकि जब ड्रग्स इजीली अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियसली मोर पीपल विल बिकम एडिक्ट टू दैट एंड इफ़ द मोर पीपल विल बिकम अडिक्टू दैट क्योंकि ये जो अडिक्ट होते हैं ज़्यादातर इनमें से कौन होते हैं हमारी यूथ होती है तो दैट मीन्स अगर हमारी यूथ को uh, हम एडिक्ट करके हम किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हो सो देट इज़ दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया सो ये इंडिया को अंदर से कमज़ोर कर रहा है तो दीज आर देरियस सिक्योरिटी कंसर्नस फॉर इंडिया थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट सो नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू अगेन